देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व दी गई है आपको एक्स माइनस वन का स्क्वायर, एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। तो ये दोनों कर्व आप अगर ठीक से देखोगे तो दोनों सर्किल की कर्व हैं। इस कर्व का फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो जहाँ सेंटर हो जाएगा जीरो जीरो और रेडियस होगी ए। ये जो हमारी कर्व है वो इस फॉर्म में है, एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम एच देखें तो आता है वन और के हमारा है यहाँ जीरो, तो सेंटर हो गया वन कोमा जीरो और रेडियस होगा वन, रेडियस इक्वल टू वन। तो यहाँ रेडियस वन हो गया और यहाँ भी रेडियस होगा ये वन। तो रेडियस दोनों का वन है, बस सेंटर देखना है, एक का वन जीरो है और एक का जीरो जीरो है। तो यहाँ हम प्लॉट करते हैं इसे, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये सेंटर है जीरो जीरो। तो इस तरह से हमने एक सर्किल लिया, रफ डायग्राम लेना है, आप कंपास का यूज करना, हम थोड़ा ठीक से नहीं बना पा रहे यहाँ। तो अब दूसरा सर्किल है, ये रेडियस है इसका वन, तो वन कोमा जीरो है। और जो इस दूसरा सर्किल है उसका सेंटर वन जीरो है, रेडियस उसकी भी वन है। तो ये सर्किल कुछ आपका इस तरह से आ जाएगा, कुछ काम चल जाएगा, चलो छोटा बड़ा है, आप कंपास से सही से बनाना। तो ये वन जीरो हो गया, ये जीरो जीरो हो गया। आपको जो एरिया फाइंड करना है वो एरिया है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। इन कर्व के द्वारा जो बाउंडेड है यानी कि ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए आपको देखना होगा, ये सर्किल जो है आपका वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, और ये जो सर्किल है वो है एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर प्लस वाई द होल स्क्वायर इक्वल टू वन। तो यहाँ हमें जो बाउंडेड एरिया फाइंड करना है वो हमारा ये वाला एरिया है जो शेडेड पोर्शन है। तो ये अगर हम देखें, अगर इस सर्किल को यहाँ से यहाँ तक हम जीरो से लेके वन तक देखें, इंटीग्रेट करते हैं, तो ये वाला जो एरिया है ये एरिया इस सर्किल को इंटीग्रेट करने से मिलेगा जिसके लिए हमें पॉइंट चाहिए यहाँ। इसी तरह से इस सर्किल को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एरिया ये वाला मिल जाएगा जिसके लिए भी हमें चाहिए पॉइंट ये। तो कुल मिला करके हमें ये पॉइंट अगर मिल जाता है तो हम बाउंडेड एरिया फाइंड कर सकते हैं। सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन है, ये इसे इंटीग्रेट करेंगे, ये है ये वाला जो सर्किल है वो है एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमें इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने होंगे जो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से आएंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं ऑन सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू, वन और टू को सॉल्व करते हैं। तो कोई भी यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट कर दें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस वाई स्क्वायर या बाई स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर,
तो ये है इक्वेशन आपकी एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पुट करते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, इसे ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ज़ीरो हो गया, माइनस वन से ये वन ज़ीरो हो गए, तो टू एक्स इक्वल टू आ गया वन, यानी कि एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका वन अपॉन टू। तो वाई भी निकाल लेते हैं, तो वाई यहाँ से आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू है वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स वन माइनस फोर, तो वाई इक्वल टू आ जाएगा रूट फोर माइनस वन थ्री अपॉन फोर, यानी कि रूट थ्री अपॉन टू। तो ये पॉइंट आ गया आपका वन वाई टू रूट थ्री अपॉन टू, वन वाई टू और रूट थ्री अपॉन टू, तो ये पॉइंट हो गया आपका वन अपॉन टू कोमा ज़ीरो, वन अपॉन टू कोमा ज़ीरो। तो ये पॉइंट फाइंड हो गए, अब हमें चाहिए बाई इन सर्कलों की, तो यहाँ हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू है वन, तो बाई स्क्वायर यहाँ से आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, या बाई इक्वल टू हो जाएगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, रूट वन माइनस इसकी बाई अगर हम फाइंड करें तो यह आएगी रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इस सर्किल की बाई देखें हम तो ये हमें मिलेगी बाई स्क्वायर इक्वल टू बाई इक्वल टू रूट वन माइनस एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर, ये आ गई इस सर्किल की बाई, यानी कि बाई इक्वल टू इसकी हो जाएगी रूट वन माइनस एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर। तो अब एरिया फाइंड करने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो मिल चुका है, रेज किए लेते इसे, जगह बनानी होगी, तो ये देखो दो तरह से आएगा, एक तो जब हम इस सर्कल को इंटीग्रेट करेंगे तो इतना एरिया आएगा, इसको करेंगे तो ये आएगा, फिर दोनों को ऐड करके टू से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया हमारा आ जाएगा। तो यहाँ हम लेते हैं रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया इक्वल टू, ये हो जाएगा टू, पहले ये वाला एरिया जब हम लेंगे तो इस सर्कल को हमें इंटीग्रेट कर होगा, लिमिट होगी ज़ीरो टू वन अपॉन टू, ज़ीरो टू वन अपॉन टू और विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना होगा इंटीग्रेट, और ये वाला जो हमारा सर्कल है वो है बाई है इसकी रूट, अगर हम सर्कल बन करना चाहें इसे हम बाई वन कर देते हैं और इसे किए देते हैं बाई टू, तो यहाँ हमारी बाई वन होगी और डी एक्स और प्लस यहाँ लिमिट होगी वन अपॉन टू टू वन, और ये होगी बाई टू, यानी कि ये वाला सर्कल होगा इसमें, ये देखना हमने जो लिमिट यूज की है, हाँ तो ये जीरो टू वन अपॉन टू में सर्किल ये वाला यूज हुआ है, यानी कि बाई टू, तो ये हम बाई टू यहाँ लिखते हैं, और यहाँ पर जो सर्किल यूज होगा वन वाई टू टू वन के लिए वो है सर्किल आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई स्क्वायर इक्वल टू वन, यानी कि बाई वन, इसे ध्यान देना, इसे हमने बाई वन बाई टू से डिनोट किया है डी एक्स और ये क्लोज।
तो a इक्वल टू हो जाएगा 2 0 to 1 by 2। तो बाई टू मीन्स बाई टू है हमारा, ये बाई टू है रूट वन माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर, रूट वन माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर, और ये डी एक्स प्लस जीरो, ये वन बाई टू टू वन होगी लिमिट, और ये आएगा बाई वन हमारा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। इसको करना है आपको इंटीग्रेट, तो ए इक्वल टू टू, जब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म है, तो एक्स वाई टू यानी कि एक्स माइनस वन वाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज यानी कि वन माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई टू, ए स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर यानी कि वन वाई टू हो जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स अपोन ए यानी कि एक्स माइनस वन अपोन ए मीन्स वन, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दें आप, और लिमिट है 0 to 1 by 2। अब यहाँ पर हम ये 2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी किए देते 2, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स अपॉन 2 होगा यानी कि 1 माइनस एक्स अपॉन यहाँ एक्स की जगह एक्स ही है, तो एक्स अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए यानी कि एक्स अपॉन 1 हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1, और यहाँ लिमिट रहेगी आपकी 1 अपॉन 2 to 1। अब लिमिट यूज करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो ए इक्वल टू ये हो जाएगा 2, अपर लिमिट यूज करेंगे यानी कि 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स की जगह यूज करोगे आप 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, और ये साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 यानी कि 1 अपॉन 2 माइनस 1, और अब लोअर लिमिट यूज करोगे तो लोअर लिमिट में माइनस आएगा, 0 यूज करोगे एक्स की जगह, तो 0 माइनस 1 ये माइनस 1 अपॉन 2, माइनस पहले से है ऑलरेडी, और 0 माइनस 1 करोगे तो 1 अपॉन 2 रह गया, और अंदर हम करेंगे 0 यूज एक्स की जगह, तो 1 माइनस एक्स की जगह 0 करेंगे तो ये माइनस 1 का स्क्वायर है प्लस 1 होगा, तो 1 माइनस 1 यानी कि ये टर्म तो आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद हम यूज करते हैं 1 अपॉन 2, ये माइनस में ही आएंगे, 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 यानी कि 0 माइनस 1 यानी कि साइन इनवर्स 1 होगा माइनस में, और ये ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा यहाँ तक इंटीग्रेशन हुआ। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो प्लस 2 और अपर लिमिट 1 यानी कि 1 अपॉन 2, और ये आ जाएगा आपका 0 1 माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि ये 0 मिलेगा हमें बाद में, 1 अपॉन 2 ये आएगा साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स 1 लोअर लिमिट यूज करोगे तो लोअर लिमिट में 1 अपॉन 2 यूज होगा एक्स की जगह, तो ये 1 अपॉन 4 हो गया,
और रूट वन माइनस एक्स की जगह वन अपॉन टू यूज करना है, तो वन माइनस ये हो जाएगा वन अपॉन फोर, और ये भी माइनस हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू साइन इनवर्स, और एक्स की जगह यूज करोगे वन अपॉन टू तो ये आ गया वन अपॉन टू। ये इस तरह से लिमिट पुट की। अब आपको कैलकुलेशन करनी है, थोड़ा धैर्य से करें, लेंदी होता है। टू वन अपॉन टू में से वन माइनस करेंगे तो माइनस का वन अपॉन टू आएगा, माइनस के होगा ये वन अपॉन फोर, टू से टू मल्टीप्लाइड होके, और ये आपका अंदर मिलेगा आपको वन अपॉन टू में से माइनस का वन माइनस करोगे तो ये आएगा माइनस वन अपॉन टू, तो वन माइनस वन अपॉन टू का होगा वन अपॉन फोर, और प्लस वन अपॉन टू ये होगा साइन इनवर्स वन अपॉन टू में से बन जाएगा तो माइनस वन अपॉन टू, माइनस ये वन माइनस वन ये जीरो हो जाएगा, माइनस वन अपॉन टू साइन इनवर्स और माइनस वन ब्रैकेट क्लोज प्लस टू वन माइनस वन ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, प्लस वन अपॉन टू साइन इनवर्स वन माइनस वन अपॉन फोर ये हो जाएगा फोर माइनस वन थ्री अपॉन फोर रूट में, और माइनस वन अपॉन टू साइन इनवर्स वन अपॉन टू। ये साइन इनवर्स वन अपॉन टू ब्रैकेट क्लोज, अब आप टू का मल्टीप्लिकेशन करना चाहे तो अंदर करते हैं ब्रैकेट में, तो माइनस टू अपॉन फोर वन माइनस वन अपॉन फोर होगा तो ये आ गया फोर माइनस वन यानी कि रूट थ्री अपॉन टू, फोर का स्क्वायर रूट टू आ जाएगा तो रूट थ्री अपॉन टू प्लस टू अपॉन टू, टू का मल्टीप्लिकेशन है साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू है, माइनस वन बाई टू साइन इनवर्स ये पाई बाई सिक्स होगा तो माइनस पाई बाई सिक्स टू अपॉन टू, और ये आ जाएगी वैल्यू माइनस पाई बाई सिक्स माइनस जीरो, ये माइनस का वन अपॉन टू है तो टू से मल्टीप्लाइड होंगे टू अपॉन टू, और साइन इनवर्स ये माइनस वन है तो पाई बाई टू की होती है तो ये भी माइनस पाई बाई टू हो जाएंगे, प्लस ये टू अपॉन टू होगा, टू का मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी करते हो, साइन इनवर्स माइनस वन है तो ये पाई बाई टू होगा, और ये टू का मल्टीप्लिकेशन टू अपॉन फोर होगा, और ये आएंगे रूट थ्री थ्री अपॉन टू, और ये माइनस यहाँ भी टू का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये टू अपॉन टू साइन इनवर्स वन अपॉन टू तो ये आएगा पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स ब्रैकेट क्लोज टू अपॉन टू पाई बाई सिक्स, देखो ये माइनस में है और टू अपॉन टू पाई बाई सिक्स ये माइनस में, और ये सॉरी ये दोनों प्लस में माइनस में है, ये भी है टू अपॉन टू माइनस में और ये भी यहाँ है माइनस में तो ये ऐड हो जाएंगे, ये तो टू से टू तो कैंसिल हो ही गए इनके, और ये इसका टू कैंसिल हो गया, ये टू से टू कैंसिल हो गए, और यहाँ टू से टू कैंसिल हो गए, ये टू से टू कैंसिल हुए, और ये टू से टू टाइम कैंसिल हुआ। अब कैलकुलेशन थोड़ा ठीक से देखनी है, इक्वल टू यहाँ की ये लेते हैं, अभी ये बचेगा हमारा माइनस रूट थ्री अपॉन फोर और यहाँ बचा हमारा
ये कैंसिल नहीं हुआ है, 2 से 2 हुए, माइनस पाई बाई 6, ये माइनस पाई बाई 6 और माइनस पाई बाई 6 को हम माइनस 2 पाई बाई 6 लिख लेते हैं, इनका काम हो गया। और ये माइनस माइनस प्लस पाई बाई 2, इसका काम भी हो गया। और ये है प्लस पाई बाई 2, तो इनको हमने कर दिया 2 पाई बाई 2, ये भी हो चुका काम इनका। और ये है आपके माइनस में रूट 3/4, माइनस में रूट 3/4, तो कुछ ठीक सी चीज़ें क्या हो रहा है, ये 2 पाई बाई अपॉन ये है आपका यहाँ, और कैंसिल कर सकते हो, ये 2 से 2 कैंसिल और ये 2 से 3 टाइम कैंसिल, और ये माइनस के 2√3/4 हो जाएंगे, माइनस का 2√3/4 हो गए। और ये है आपका माइनस का पाई बाई 3, और ये बचा आपका पाई। अब आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा, ये हम ए लेके चलते हैं, आगे ले जा रहे हैं, इसे जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है। तो ए इक्वल टू यहाँ हम लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 3, इसको ठीक से लिख लेते हैं, पाई अपॉन 1 माइनस पाई बाई 3 और प्लस माइनस 2√3/4, माइनस 2√3/4, तो यहाँ पर हमारा एलसीएम आएगा 12। तो ये आ गए आपके 12 पाई माइनस 4 पाई, और ये 4 3 12, तो माइनस का 6√3, 4 3 12, तो 3 2 6√3, तो ये आ जाएगा आपका 12 में से 4 गया तो 8 पाई, इनको अलग अलग लिख लेते तो 8 पाई अपॉन 12, और ये बचेंगे आपके माइनस 6√3/12, कैंसिल कर दो कुछ, 4 2 8, 4 3 जा, तो 2/3 पाई, यानी कि 2π/3 माइनस 6 2 √3/2, 2π/3 माइनस √3/2, आंसर आपका यही आएगा। थोड़ा कैलकुलेशन आपको संयम से करनी है, टाइम दे करके, और स्टेप बिल्कुल शॉर्ट ना करें, यहाँ इंटीग्रेशन में उतना टाइम नहीं लगता, केवल कैलकुलेशन में टाइम ज़्यादा लगता है। तो कहीं भी रूट और माइनस प्लस वन या साइन इनवर्स के साथ ये वैल्यू है, ये मिस्टेक हो सकती है, तो थोड़ा ठीक से देखना है तो आंसर मिलेंगे।